हेलो गाइस नमस्कार आप सभी का स्वागत है निधि किचन लाइफ स्टाइल चैनल पे तो दोस्तों आज मैं आपके साथ हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना इसे अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बाल बिल्कुल जड़ से काले हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों ना कोई मैं मेहंदी यूज करने वाली हूँ ना आंवला यूज करने वाली हूँ और ना ही कोई डाई यूज करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका है लेकिन आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा और गाइस मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी कि इस ऑयल को कैसे बनाना है और इस ऑयल को कैसे अप्लाई करना है इसमें मैं एक ऐसा जड़ी बूटी यूज करने वाली हूं ना जो आपके सफेद बालों को बिल्कुल काला बनाने में बहुत हेल्प करता है मैं पहले भी इस जड़ी बूटी को आपके साथ शेयर की हूँ आप लोग को ये ऑनलाइन भी मिल सकता है या तो आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे ईजिली मिल सकता है तो दोस्तों अगर पहली बार इस चैनल पे आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ना तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा आपको इस रेमेडी को इस्तेमाल तो करना ही है साथ ही साथ में आपको थोड़ा सा और बता देती हूं कि आपको अपने फूड में स्प्राउट्स लेना है रेगुलरली और गाइस जितना हो सके उतना जंक फूड से पैकेट फूड से आपको बचना है जी हाँ दोस्तों केमिकल वाली डाई आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है इस रेमेडी को अगर आप रेगुलरली अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ना मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना तो मैं लिख के दे सकती हूं कि आपके सफेद बाल बिल्कुल जड़ से काले हो जाएंगे तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपको दिखा देती हूं कि ये रेमेडी दिखता कैसे है तो देखिए दोस्तों इस तेल को आपको हफ्ते में बस तीन बार लगाना है इस तेल को और आपके बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे तो चलिए आगे देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तो दोस्तों जैसा कि टाइटल में लिखा है हमें यहाँ पे ले लेना है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल तो मैं ये एक दिन के लिए बना के आपको दिखा रही हूँ आप चाहें तो इसे लंबे समय के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ नारियल का तेल नेक्स्ट मैं एक चम्मच यहाँ पर आंवला जूस डाली हूँ पतंजलि का आंवला जूस ले रही हूँ आप चाहें तो फ्रेश आंवले को भी ग्रेट करके यहाँ पर जूस डाल सकते हैं दोस्तों ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस रेमेडी को आप आजमाइएगा ज़रूर यहाँ पे मैं एक चम्मच इतना ले ली हूँ जड़ी बूटी जो है जटा मानसी बहुत अच्छा हेल्प करता है हमारे सफ़ेद बालों के ऊपर साथ ही साथ बालों को लंबा और घना भी बनाता है तो दोस्तों इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे एक से डेढ़ मिनट तक पका लेना है ताकि ये सारे गुडनेस इस तेल में उतर के चले आए दोस्तों कैसे इसे अप्लाई करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा पहली बार आए हैं तो प्लीज एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा दोस्तों तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है थोड़ी देर तक मैं इसे पका लूंगी दोस्तों इसे अप्लाई करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे रात को अप्लाई करें और नेक्स्ट डे आप चाहे तो आप शैम्पू कर सकते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से पेनीट्रेट हो सके और जो इसका गुडनेस है ना वो बहुत ही अच्छे से आपके बालों पे उतर के आ सके आपके मेलिन को इनक्रीज कर सके दोस्तों इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी अभी हमारा ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा हीट है तो इसे हम स्टर करते रहेंगे नहीं तो ये जल जाएगा उसके बाद इसे रख देंगे रूम टेम्परेचर तक आने तक जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो ही इसे अप्लाई करना है दोस्तों तो चलिए अब गैस का फ़्लेम ऑफ़ कर देती हूँ और स्टर करते रहूँगी जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे इसे अप्लाई करना है दोस्तों अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके एक भी सफ़ेद बाल नहीं दिखेंगे सारे जड़ से काले हो जाएंगे दोस्तों तो ये देखिए ये हो चुका है रेडी अब मैं गैस का फ्लेम भी ऑफ कर चुकी हूँ अब ये रूम टेम्परेचर पर जब आ जाएगा तो एक बाउल में मैं निकाल लूँगी और इसे अपने हेयर रूट्स पे मसाज करते हुए आपको अप्लाई करना है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको मसाज देना है पाँच से दस मिनट तक अपने बालों पे अच्छी तरह से मसाज करते हुए स्कल्प लगाएं उसके बाद पूरे हेयर लेंथ पे अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लें और अपने बालों को कॉम करके रात भर यूं ही छोड़ दें नेक्स्ट डे दे आप शैम्पू करें वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा थैंक यू हैव ए नाइस डे